हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे लेसन नंबर 14, नया लेसन है, बहुत ही सिंपल है। उसमें एक ही प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 52। क्या दिया है? पिक्चोग्राफ। पिक्चोग्राफ क्या है? जिसे हम लोग को एक डिटेल प्रोवाइड की रहेगी और उसी के बेस पे क्या करना है, हमें नंबर्स को सिंबॉलिक मतलब पिक्चर में हमें उसको कन्वर्ट करके शो करना है। बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन? स्टोर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन स्टोर इन अ वेयरहाउस आर एज गिवन बिलो, मेक अ पिक्चोग्राफ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। यहाँ पर क्या किया, हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि किसी वेयरहाउस में अलग अलग ग्रेन्स स्टोर किए हुए, ठीक है, उसको हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पर ग्रेन्स कौन कौन से है, राइस है, वीट है, बाजरा है, ज्वार है, और उसमें कितने हिस्से हैं, बोरे जो है उसमें कितने, 40 है, 56, 8 और 32, अलग अलग क्वांटिटी है उनकी। तो उसको क्या करना है, हमें पिक्चर के सिंबल में उसको हमें यहाँ पर पिक्चोग्राफ में शो करना। तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। क्या दिया है? फर्स्ट पहले आप डबल कॉलम प्रिपेयर कर लो ग्रेन और सेट का, ग्रेन्स, ठीक है। क्या क्या है और उसके बाद क्या है, सेट, जो बोरे रहते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हम लोग को, ग्रेन में राइस है, ठीक है, उसके बाद है वीट, उसके बाद है हमारे पास बाजरा, उसके बाद है हमारे पास ज्वार, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देखना है ध्यान में, कि कौन से नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कैसे हम लोग वहां पर लेंगे कि वन पिक्चर इज इक्वल टू क्या रहेगा। तो जैसे पहले आप सबसे देख लो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें से एट है। अभी एट जो है वो सभी नंबर में आ रहा है क्या, जैसे एट के टेबल में 32, 56, 40 इस तरह से आ रहा है क्या, या फिर अगर हम लोग अगर इस तरह से नंबर्स मैच नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो सबका फैक्टर हो। जैसे एट देखो 32 का भी है, 56 का भी और 40 का भी, ठीक है, ये तो नॉर्मली कोइंसिडेंट है। लेकिन अगर एट सभी के फैक्टर में नहीं आएगा तो हम लोग एट से स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और उसी नंबर का इक्वल टू हम लोग पिक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल। क्या बोलेंगे? स्केल। स्केल का मतलब जैसे होता है कि हम लोग किस तरह से उस, जैसे यहाँ पे 40 है तो हम लोग यहाँ पे 40 नहीं ड्रॉ कर सकते थे डायग्राफ, क्योंकि बहुत लेंदी और बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 56, फिर यहाँ पर 8, फिर 32 ज्वार का, हम लोग ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग वन पिक्चर को उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे, देखो स्केल हम लोग लिख लेंगे वन पिक्चर इज इक्वल टू, अभी वन पिक्चर इज इक्वल टू हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो राइस कितना है, 40 है, 56 है, 8 है कि नहीं, 32, सभी ग्रेन्स के अलग अलग यहाँ पे जो बोरे दिए हुए सेक उसमें दिया हुआ है, तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो 8 के टेबल में हो जाएगा तो 8 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे कि 40 आ जाएगा, 8 5 है कि नहीं, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, वन पिक्चर इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, 8 है, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अभी वन पिक्चर जो बोरा रहता है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उसी का सिंबल। अब कितना ड्रॉ करना रहेगा, 40, अगर राइस पे 40 है तो कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 5, तो 5 ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ कर लोगे और सेम वहां पर भी हम लोग ऐसे कंटिन्यू आगे ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से कितने, 8 ड्रॉ कर लेंगे, इसमें 8 ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वन पिक्चर इज इक्वल टू कितना है,
एट है ना, तो एट अभी एट का टेबल आप रीड करते जाओ, एट फाइव जर फोर्टी हो जाएगा, तो हम लोग कितना ड्रॉ कर लेंगे पिक्चर फाइव, है कि नहीं सिंपल। तो हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ उसको हमें पिक्चोग्राफ में कन्वर्ट कर देना। तो हमारा फर्स्ट कॉलम भी सेम रहेगा, सेकंड कॉलम के लिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और वहां पर हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड में विड्थ कितना है 56, तो 8 के पिक्चर के हिसाब से हम लोग 56 के लिए पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो कितना ड्रॉ करना पड़ेगा हमें 7, 8 7 जा 56, है कि नहीं एकदम सिंपल। आप और अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में, ये सिर्फ एक्सप्लेन और आपको समझने के लिए मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया, एक और अभी ये इस तरह का डेटा हम लोग इसके लिए प्रिपेयर करें। जैसे सपोज करो कि अगर आपको किसी ने पूछा कि जो हमारे पास यहां पर है इंफॉर्मेशन उसमें सबसे ज्यादा किसके हमारे पास है बोरे अनाज के, तो हम लोग फटाक से बोल सकते हैं ना कि वीट का सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादा पिक्चर है। अगर जैसे कि नंबर मान लो सपोज करो नहीं उतना अच्छे से क्लियर हो पा रहा, तो हम लोग पिक्चर के बेस पे यहाँ पर बता सकते हैं। बाजरा कितना है 8, तो 1 पिक्चर इज इक्वल टू कितना है, स्केल जो हम लोग ने लिखा था 1 8 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है कि नहीं सिंपल। उसके बाद ज्वार, ज्वार के लिए कितना 32, तो इसके लिए कितना ड्रॉ करेंगे हम लोग 4। है कि नहीं सिंपल है एकदम, और यहां पर हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये बहुत ही सिंपल है, ये कंपल्सरी आपको एग्जाम में आएगा है, कम से कम 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आज में हम तो लोग ऐसे स्केल ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपको ये चीज लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा तो फिर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना कि आपने 1 पिक्चर इज इक्वल टू कितना मेजर किया है स्केल में। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं कि जो डेटा प्रेजेंट किया है पिक्चर में वो पिक्चर ग्राफ में करेक्ट है। जैसे 40 है तो हम लोग यहाँ पर पहले दिखा दे रहे स्केल 1 पिक्चर इक्वल टू 80 सेट, तो अभी कितना है, एक जो हो रहा है वो 80 के इक्वल में एक जो इमेज दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास कितना है 40 है, तो 8 फाइव जा 40, फिर 56 तो सेम 8 7 जा 56, फिर 8 वन जा 8 और 8 4 जा 32। उसी तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ था हम लोग को, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इन वार कार इज गिवन बिलो, मेक अ पिक्चर ग्राफ फॉर दिस डेटा। हमें क्या करना है, इस डेटा में पिक्चर ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ व्हीकल दिया है, बाइसाइकिल 84, ऑटोमेटिक टू व्हीलर से 60, फोर व्हीलर से कार और जीप 24, लेकिन हैवी व्हीकल्स ट्रक बस जो है 12 है और ट्रैक्टर 24 है। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे पिक्चर ग्राफ। अभी यहाँ पर हम लोग स्केल क्या लेंगे, स्केल मेजर क्या करेंगे। अभी यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल है, लेकिन सब है तो व्हीकल ही ना, तो हम लोग वन स्केल क्या ले लेंगे, 1 पिक्चर इक्वल टू जो हम लोग यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करेंगे, जो 1 पिक्चर इक्वल टू रहेगा कितने के इक्वल रहेगा। अभी देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 12, अभी चेक करो 12 सभी के फैक्टर में आ रहा है क्या, तो आ जाएगा 12 24 24, है कि नहीं, 12 5 60,
सेवन जा 84, मतलब सभी में आ जा रहा, तो हम लोग वन टू सेवन इक्वल टू कितना ले लेंगे 12। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन पिक्चर इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के बेस पे हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या है, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल कितना है 84, तो हम लोग रीड करो आप 12 के हिसाब से। ठीक है, तो 12 7 84 है कि नहीं, तो 12 7 कितने टाइम आ रहा है 7, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 7 बाइसाइकिल यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बाइसाइकिल आप ड्रॉ कर सकते हो, है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। मैं यहां पर कोई एक नॉर्मली डायग्राम ले ले रहा हूं जिसको हम लोग व्हीकल अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो यहां पर आप बाइसाइकिल कितना ड्रॉ करोगे 7। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है, आप सिंपल आराम से पेंसिल से ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर आपको कितना ड्रॉ करना पड़ेगा 7 व्हीकल, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, या फिर मैं व्हीकल की जगह पर नॉर्मली डायग्राम ड्रॉ करके बता दे रहा, उसको आप वहां से अपने बुक में आप व्हीकल उस तरह के बाइसाइकल, फिर ऑटोमेटिक टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सब पूरा आप ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 7 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए। आप अपनी बुक में अलग से बाइसाइकिल ड्रॉ कर, क्योंकि अगर मैं ड्रॉ करते जाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। यहां पे आपको क्या करना रहेगा 7 बाइसाइकिल ड्रॉ करना रहेगा। सेकेंड क्या दिया हुआ है, ऑटोमेटिक टू व्हीलर कितना है 60, तो हम लोग कितना ड्रॉ करेंगे 5। आरएसएम में कितना ड्रॉ कर देंगे 5। उसी तरह क्या दिया, फोर व्हीलर कार और जीप, तो फोर व्हीलर कितना है 24, तो 12 जा, तो यहां पर कितना ड्रॉ करेंगे सिर्फ 2। और हैवी व्हीकल कितना है 12, मतलब सिंगल एक ही, क्योंकि वन पिक्चर इक्वल टू कितना है 12 है, 12 व्हीकल है। ठीक है, और ट्रैक्टर 24 है, तो यहां पे कितना पिक्चर ड्रा करेंगे हम लोग 2। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा, इसका जो पिक्चर है आपको बाइसाइकिल, फिर ऑटोमेटिक टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हैवी व्हीकल और ट्रैक्टर आप अपने बुक में पेंसिल से ड्रॉ करोगे। ठीक, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए मैंने इस तरह से बॉक्स पर ड्रॉ किया हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वेरियस बुक्स केप्ट इन अ कबर्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी आर गिवन बिलो, मेक अ पिक्चर ग्राफ शोइंग द इन्फॉर्मेशन गिवन। यहाँ पे क्या है, किसी स्कूल में यहाँ पे लाइब्रेरी में कबर्ड में बुक रखी हुई है, और किसी अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक और नंबर दिया है, साइंस की कितनी 28 है, स्पोर्ट्स की 14 है, पोएट्री की 21 है, और लिटरेचर की 35 और हिस्ट्री का 7। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि सभी में वो फैक्टर मिल रहा है क्या उसका, तो 7 7 5 जा, है ना, 7 5 जा 35, 3 21, 2 14, 7 4 जा 28, मतलब मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, स्केल लिख लेंगे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 बुक्स। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, बुक ड्रॉ कर लेंगे, 7 4 जा 28, यहां पर हम लोग लिख लेंगे नंबर, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बुक हो जाएगी। अब हम लोग यहां पर
कितना आ जाएगा 7 4 28। ठीक है, और भी यहाँ पे इसमें आप डेकोरेशन कर सकते हो, बुक का कोई अगर आपके पास सिंबल है तो उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। स्पोर्ट्स का भी बुक है सेम, कितनी 40 है तो 2 ड्रॉ कर लेंगे। पोएट्री का कितना है 21 तो 3 ड्रॉ कर लेंगे। लिटरेचर का कितना है 35 तो कितना ड्रॉ कर लेंगे 5। और हिस्ट्री का कितना है 7 तो सिर्फ 1 ही ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा पिक्चरग्राम। एक बार मैच कर लेंगे, साइंस का कितना है 28 तो 7 और पिक्चर इज कल्टी कितना है 7 को तो 7 फोर जा 28 हो गया। स्पोर्ट्स में कितना है 14 तो 7 टू जा 14, ठीक है। पोएट्री का तो 7 थ्री जा 21, 7 फाइव जा 35, 7 वन जा 7। तो यहाँ पे हम लोग का ये इसमें एक ही प्रॉब्लम सेट था 52। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम सेट 52 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ में अगर आपके पास इससे रिलेटेड पिक्चरग्राफ से रिलेटेड अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप मुझे उसका फोटो क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें अगर आपको डाउट आ रहा हो कि हम लोग इसको जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग पिक्चरग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर आप मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताना। जितने लोग चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।